नमस्कार दोस्तों, आज हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जो कभी हमें दिखते हैं लोकल ट्रेन्स में, कभी दिखते हैं बाजारों में और कभी दिखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे। और इन्हें हम मोस्ट कॉमनली कहते हैं भिखारी। और भिखारियों में सबसे स्पेशल और सुपर पावर वाले माने जाते हैं उन्हें हम कहते हैं किन्नर। मुंबई के आसपास के भागों में उन्हें कहा जाता है छक्के, और इंग्लिश में उन्हें कहते हैं यूनिक। अब इन किन्नरों में कुछ शांति प्रिय लोग भी है जिन्हें पैसे न मिलने पर चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन इनमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो पैसे न मिलने पर गाली गलौज करते हैं, शराब देते हैं। और इनमें कई सारे फेक लोग भी हैं जो किन्नर नहीं होते फिर भी होने का नाटक करते, क्योंकि इन्हें स्पेशल और सुपर पावर वाला माना जाता है। तो जैसे लोग इन्हें आते हुए देखते हैं तो पहले से ही अपनी जेब से निकाल के पैसे रेडी रखते हैं ताकि इनको दे और इनका श्राप ना लगे। और मेरे स्कूल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ाम से पहले स्पेशली किन्नर को जाके पैसे देते थे और कहते थे कि हमें आशीर्वाद दो कि हम एग्ज़ाम में फेल ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किन्नरों का श्राप लगता है? और अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मेरे दोस्त का, जिसको किन्नरों ने श्राप दिया था। और ये बात है 2013 की। मेरे दोस्त ने अंधेरी लोकोनवाला कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी शॉप खोली थी फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की। और शॉप खोलने के ठीक तीसरे दिन बाद उसके शॉप के सामने एक ऑटो रिक्शा आके खड़ी हो गई, जिसमें से 3 किन्नर बाहर निकले और उसके शॉप पे आ गए। फिर शॉप पर आकर वो मेरे दोस्त से 10,000 रुपये मांगने लगे, कहने लगे कि उसको आशीर्वाद मिलेगा और उसकी शॉप आगे जाकर बहुत चलेगी। मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी शॉप अभी बहुत नई है और कोई गिराइक भी नहीं है, मैं इतने पैसे दे नहीं पाऊँगा। तो किन्नर आते आते 5,000 रुपये आ गए और आखिर में बार्गेनिंग करते करते आ गए 1,200 रुपये पर। तो मेरे दोस्त ने उनको 1,200 रुपये दे दिए और वो वहाँ से चले गए। सच कहूँ तो मेरा दोस्त बहुत ही दरिया दिल है, अगर उसकी जगह मैं होता ना तो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं देता। अब इस किस्से के ठीक 2 दिन बाद फिर से एक ऑटो रिक्शा आके मेरे दोस्त के शॉप के सामने खड़ी हुई, जिसमें से 2 किन्नर बाहर निकले और मेरे दोस्त के शॉप पे जाके पैसे मांगने लगे। मेरे दोस्त ने कहा कि 2 दिन पहले तो मैंने पैसे दिए, अब फिर से क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि जिसको आपने पैसे दिए होंगे वो इस एरिया के नहीं है, और हमारी टोली जो वो इस एरिया की टोली है, तो आपको हमें पैसे देने ताकि आपको आशीर्वाद मिले। अब इस बात से मेरा दोस्त काफ़ी भड़क गया और उनको कहने लगा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, आपको जो करना है करो। फिर किन्नरों में और मेरे दोस्त में काफ़ी नोकझोंक हुई। फिर किन्नर ने मेरे दोस्त को धमकी दी कि ठीक उसके दूसरे दिन वो पूरी टोली को लेके आएंगे, पूरी गैंग को लेके आएंगे और उसकी शॉप के सामने नाच गाने करेंगे और उसको श्राप देंगे। मेरे दोस्त ने कहा कि आपको जो करना है करो, मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा। फिर जैसा किन्नरों ने कहा था वैसा उन्होंने किया। ठीक उसके दूसरे दिन वो लोग पूरी टोली को लेके आए और मेरे दोस्त के शॉप के सामने गाने लगे, सारियाँ उठाकर नाचने लगे। और जब काफ़ी देर तक मेरे दोस्त ने उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरे दोस्त को श्राप दे दिया, कहा कि तेरे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी किन्नर पैदा होंगे। तो इस बात पर मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छा जवाब उनको दिया, कहा कि अगर किन्नर पैदा होंगे तो अच्छा है ना, आपके साथ मिलकर वो भी धंधा करेंगे। उस घटना के कुछ महीनों बाद मेरे दोस्त की शादी हुई, उसको एक प्यारा सा बेटा और एक प्यारी सी बेटी हुई, और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और मेरे दोस्त की लाइफ जो है वो बिल्कुल सही चल रही है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों का अंधविश्वास है कि वो इनकी श्राप से डरते हैं। अगर आपको खुशी से पैसे देने दे दो, नहीं देने मत दो, लेकिन किसी के श्राप से मत डरो। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई घटना हुई है छक्कों के साथ या भिखारियों के साथ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।